अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं आपको एक स्टाइलिश गैदर टॉप बनाना सिखाऊंगी। अपनी बेटी के लिए भी बना सकते हैं और ख़ुद भी अपने लिए बना सकते हैं जीन्स पहनने के लिए। और ये इंस्पायर्ड है मेरी पुरानी एक टी शर्ट थी उससे, और मैं इसका मटेरियल यूज़ करूंगी इस वाले फैब्रिक के साथ। मैं कंबाइन करूँगी दोनों कलर्स को। और सबसे पहले अपने आप फैब्रिक ले लीजिए, उसको सीधा कर लें और उसके ऊपर अपना एक पुराना जो आपका फेवरेट टॉप है, आप कुर्ती की भी मेजरमेंट्स ले सकते हैं यहाँ पे, सिर्फ आपको लेंथ उसमें कम करनी होगी। सो जो लेंथ आपको रखनी है वो लेंथ रखें। मैं इसमें थोड़ी सी लेंथ ऐड करूँगी। उसका रीज़न ये है कि मैं इसमें जो मेरी पुरानी टी शर्ट थी उसका जो नेट है वो मैं यूज़ करूँगी। मैंने ये नेट जो है वो नीचे से कट कर लिया है और इसके बाद मैं इसको ऐड करूँगी अपनी बेटी के टॉप में। और मैं लेंथ थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ जो उसकी रेगुलर टी शर्ट की लेंथ होती है। ये आप एक कलर में भी बना सकते हैं और दो कलर में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह से इसकी सिलाई करना चाहते हैं। तो जब आप को आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कितनी आपको लेंथ चाहिए, कितनी आपको विड्थ रखनी है, तो उसके बाद आप उसकी मार्किंग करना शुरू करें, क्योंकि हमें गैदर्स देनी है नीचे बॉटम में और नेक लाइन के ऊपर। तो जो मेरी रेगुलर नेक लाइन है, सबसे पहले तो मैं उसको मार्क कर लूँगी। उसको मार्क करने के बाद जो है उसमें मैं ऐड करूँगी कि मुझे कितनी ज़्यादा नेक लाइन की विड्थ चाहिए और लेंथ चाहिए। अगर आप इसको एक पीस पे बना रहे हैं, मेरी सजेशन ये होगी कि विड्थ जो हो वो 45 इंचेस हो फैब्रिक की टोटल। और अगर वरना जो है वो आप पूरा फैब्रिक जितना आपके पास है वो यूज़ करें और उसमें हम फिर साइड में पैनल्स ऐड करके उसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो नेक लाइन में जब मैंने नेक लाइन मार्क कर लिया, उसके बाद मैं इसके अंदर 4 इंच बढ़ाऊंगी। 4 इंच मैं गैदरिंग के लिए बढ़ाऊंगी और 1/2 इंच जो है वो सीम अलाउंस का बढ़ाऊंगी। और विड्थ जो है वो भी मैं 4 इंचेस की रखूंगी, क्योंकि जब गैदर होगी आपकी नेक लाइन पे आप गैदरिंग्स बनाएंगे तो वहाँ पर आपकी ये विड्थ जो है ये और लेंथ जो है वो काम में आएगी। अपनी ओरिजिनल नेक लाइन से इसको ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद जो है हम इसको कटिंग कर लेंगे। जितनी ज़्यादा विड्थ होगी आपकी फैब्रिक की उतनी अच्छी गैदरिंग्स आएंगी और वो चेस्ट एरिया के करीब और जो आपका आर्म होल है और जो आपका शोल्डर्स है वहाँ पे पहनने में आपको जो है वो टाइट नहीं होगा, लूज जितना होगा उतनी अच्छी इसकी गैदरिंग्स बनेंगी। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं तो आप उसको कटिंग कर लें, कपड़े को अलग कर लें। फ्रंट और बैक की हम सेम कटिंग करेंगे, अलग अलग कटिंग नहीं करेंगे। मैं ये हल्का सा साइड पीस इसलिए निकाली हूँ क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, कपड़े को सीधा करने के लिए, क्योंकि आप आखिर में भी देख सकते हैं इस पर एक कट पड़ा हुआ है। इस तरह का टॉप बनाने का दो तरीक़े हैं। ये वाला जो तरीक़ा है ये मुझे, मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं इसको इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मुझे इसके अंदर दूसरा कलर ऐड करना था। अगर आप दूसरा कलर ऐड नहीं कर रही हैं तो आप इसको एक वन पीस में बना सकते हैं, इसको इसके लिए स्लीव्स अलग कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं जो है वो गला अलग कर लूँगी। अब सिलाई करते हैं। सबसे पहले तो एक जो सबसे बड़ी स्टिच है वो जो वाइडेस्ट स्टिच है आपकी मशीन में, उसको सीधा लगा लेंगे और उसके बाद इसमें गैदरिंग्स बना लेंगे। मैं इससे पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में गैदरिंग्स बनाना बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी, आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं जो है वो लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर इसको चेक कर सकते हैं। गले पे और जो नीचे वाला हिस्सा हमने लिया है, हम दोनों जगह गैदरिंग से इसी तरह बना लेंगे धागे को खींच के।
इसके बाद मैं अपनी नेट से मेजर करूँगी कि जितना मुझे चाहिए और साइड में जो है वो मैं नॉट्स बना लूँगी ताकि मेरी गैदरिंग्स जो है वो खुले नहीं। उसके बाद जो मेरा टॉप था उसको मैंने सारा अलग कर लिया है और खोल लिया पूरी तरह से, सारी साइड्स की सिलाई वगैरह खोल ली है। और उसके बाद जितने ज़्यादा फैब्रिक मैं आर्म होल एरिया पर रख कर कटिंग कर सकती हूँ मैं उतना कटिंग कर लूँगी, और अगर मुझे कम लगेगा तो उसमें मैं फिर जॉइंट डालूँगी। स्लीव्स आप जो है वो अपने पुराने टॉप की मेजरमेंट्स के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं, उसको ऊपर रखें, जस्ट उसके अंदर जो है वो सीम अलाउंस ऐड कर दें, और विड्थ जो है वो जितनी ज़्यादा रखेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। उसके बाद शोल्डर की सिलाई कर लेंगे। और जो हमारा आर्म होल है वो हम रेगुलर कटिंग नहीं करेंगे, आर्म होल जो है वो उसकी विड्थ हम ज़्यादा रखेंगे। जैसे अगर आप रेगुलर जो है वो सिलाई कटिंग करती हैं 5 इंचेस आर्म होल के लिए, बच्चों की बात कर रही हूँ, तो आप 7 इंचेस कट करेंगे इस टॉप के लिए, और उसके बाद जो है उसके ऊपर स्लीव्स लगा लेंगे। स्लीव्स लगाने के बाद मैंने इस पर कच्ची सिलाई कर ली थी ताकि मैं अपनी बेटी को पहना के देख सकूं कि उसके कहीं टाइट तो नहीं हो रहा चेस्ट एरिया पर और शोल्डर एरिया के ऊपर। अगर हो रहा है तो फिर मैं उसको एडजस्ट करूँगी, और क्योंकि मेरी चेस्ट मेरी बेटी के का चेस्ट के पास से थोड़ा सा टाइट हो रहा था तो वहाँ मैंने जॉइंट्स लगाए। जॉइंट्स लगाने के बाद मैंने जो है वो सारी साइड्स जो है वो भी सी ली हैं। अपनी सिलाई लगा ली है, उसके बाद जो है अपने कपड़े को सीधा कर लें, और उसके बाद जो है हम नेक के लिए बैंड कटिंग करेंगे और स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। जो तरीका नेक के लिए है वही तरीका जो है मैं स्लीव्स के लिए भी इस्तेमाल करूँगी, लेकिन उससे पहले नेक लगा लूँगी मैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पिन से पहले उसको एडजस्ट कर लें कि कितनी कहाँ पर आपको लेंथ रखनी है, कहाँ पे आपको सिलाई लगानी है, आसानी हो जाती है और इससे कपड़ा हिलता नहीं है। पहले साइड सीम से स्टार्ट कर दोनों साइड सीम ज्वाइन करें पिन से, और उसके बाद जो है वो आप सारी जगह पिन लगा लें। ये मेरा फैब्रिक है जो मैं बैंड के लिए कटिंग करूँगी। अपनी नेक की मेजरमेंट्स ले लें गोलाई में कि कितनी है, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं 3 इंच का फैब्रिक ले रही हूँ चौड़ाई में, और विड्थ जो है और जितना मुझे जितनी मेरी मेजरमेंट आई है उसके हिसाब से मैंने बैंड बना लिया है। अगर आपका स्ट्रेची मटेरियल है तो उसमें 1 से 1.5 इंच कम रखें, और अगर स्ट्रेची नहीं है तो एग्जैक्टली सेम आप मेजरमेंट्स रखेंगे। उसके बाद बीच में से सिलाई लगा लें, और उसके बाद साइड सीम्स पहले ज्वाइन करें, फिर मिडिल सीम्स ज्वाइन करें, 4 मार्क्स लगा लें आपके लिए आसानी होगी, और उसके बाद पिन करके उनकी सिलाई कर लें। सिलाई करने के बाद एक दफ़ा और फोल्ड करूँगी ताकि ये गैदर्स जो मैंने बनाए हैं उसको अच्छी तरह से होल्ड कर सके सिलाई, क्योंकि बच्चे भागते दौड़ते बहुत हैं और अपनी शर्ट्स को पुल ज़्यादा करते हैं खेलते वक्त, एक दूसरे की शर्ट्स को पुल ज़्यादा करते हैं, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए गले के ऊपर मैंने थोड़ी मोटी पट्टी लगाई है 4 लेयर्स की, आप 2 लेयर्स की भी लगा सकते हैं। और सेम तरीके से मैंने कफ्स भी जो है वो स्टिच किए हैं, 2 इंच की पट्टी ली है और चौड़ाई जो 2 इंच जो है वो चौड़ी पट्टी ली है डबल करके, तो टोटल फैब्रिक मेरा है 4 इंचज़ का। और जो लंबाई है जो रिस्ट की मेजरमेंट्स है
वो जो मेरी स्लीव्स की मेजरमेंट्स है वो ही रखी हैं, उसके बाद इसको सिलाई कर लिया है मैंने, और उसके बाद जो ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लिया। कोई भी फाइनल स्टिचिंग करने से पहले आप अपने बच्चों को पहना के ज़रूर देखा करें, अगर आप कोई नई चीज़ सी रहे हैं तो, ताकि उससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ पे टाइट ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम टाइट हो रहा है। और अगर आपको कोई फिटिंग्स करनी है तो अभी भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरी मेजरमेंट्स थी मैंने अपनी बेटी को पहना के दिखाई, और ये फाइनल रिज़ल्ट है उसका, और ये फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है। और आप जैसे देख सकते हैं इस टॉप में बहुत लूज है, बहुत कंफर्टेबल है और स्टाइलिश भी है। तो आप ये बनाएं और ज़रूर अपनी पिक्चर शेयर करिएगा, हैशटैग करिएगा स्टाइलो ब्लेंडर पे। थोड़ी सी लूज फिटिंग रखिए क्योंकि मेरी बेटी को थोड़े से लूज कपड़े पसंद हैं। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि फ्यूचर में मैं जो भी प्रोजेक्ट्स बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।